बिहार तक, बिहार का नंबर वन YouTube चैनल। बोधगया स्थित महाबोधि मंदिर ब्लास्ट केस का आज बड़ा दिन है। आज NIA की स्पेशल कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने सभी 9 दोषियों के खिलाफ सजा का ऐलान कर दिया है। NIA के विशेष कोर्ट ने गुरविंदर सिंह मल्होत्रा ने 5 दोषियों को 10-10 साल की सजा और 3 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा जाहिद उर्फ कौसर पर ट्रायल अब भी चलेगा। चलिए इस रिपोर्ट में हम आपको पूरा मामला बताते हैं। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने बिहार तक देखना शुरू कर दिया है। बिहार के गया में दलाई लामा के दौरे के दौरान 2018 में मंदिर परिसर में ब्लास्ट हुआ था। दोषियों के मुताबिक रोहिंग्या मुसलमानों की कथित प्रताड़ना का बदला लेने के लिए ये साजिश रची गई थी। इसके लिए बांग्लादेश के बदनाम आतंकी संगठन जमायतुल मुजाहिदीन के सरगना जाहिदुल इस्लाम उर्फ कौसर ने पूरी साजिश रची थी। दोषियों ने तब दलाई लामा और बिहार के तत्कालीन राज्यपाल के दौरे के दौरान यानी कि 19 जनवरी 2018 को मंदिर के कैंपस में बम प्लांट किया था। महाबोधि मंदिर के परिसर और कालचक्र मैदान के अलावा कई और स्थानों पर 19 जनवरी 2018 को IED ब्लास्ट हुए थे। मंदिर में लगे बम की जानकारी सुरक्षा एजेंसियों को लग गई थी। इसके बाद पहला बम इनएक्टिव करने के दौरान ही ब्लास्ट हो गया था। फिर पुलिस की तलाशी के दौरान कालचक्र मैदान से 3 रसोई और शौचालय से एक एक IED बम मिले थे। इस कांड में अहमद उर्फ कालू, दिलावर हुसैन, अब्दुल करीम, मुशफिजुर रहमान उर्फ शाहिद, आरिफ हुसैन, नूर आलम, पैगंबर शेख और मोहम्मद आदिल शेख ने अपना अपना जुर्म कबूल कर लिया है। आपको बता दें कि पटना के NIA कोर्ट ने इस घटना में शामिल 8 आरोपियों को सजा सुना दी है। NIA कोर्ट के वकील लल्लन प्रसाद सिन्हा ने जो कहा है, जरा वो सुनिए। बोधगया बम ब्लास्ट का केस है, जिसमें कि दलाई लामा साहब आए हुए थे और उसी दिन जो है विस्फोट हुआ था उनके, और इसी को NIA ने इन्वेस्टिगेट किया था। बाद में इन्वेस्टिगेशन के बाद 9 अभियुक्तों पर चार्जशीट हुआ, जिसमें 8 अभियुक्त अभी कन्फेस किए हैं, 3 अभियुक्तों को लाइफ इम्प्रिजमेंट दिया गया है, 5 को 10-10 साल की सजा दी गई है डिफरेंट सेक्शंस में। अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के अंतर्गत, IPC के अंतर्गत 121A अटेम्प्ट कॉन्स्पिरेसी टू वेज वॉर अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसके तहत 10-10 साल की सजा दी गई है। और 3 को 121 के अंतर्गत अटेम्प्ट टू वेज वॉर अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत लाइफ इम्प्रिजमेंट दिया गया है 3। और एक जो सर 9वां जो है उसको क्या किया, उसने कसूर को नहीं कछा है। ये सारे कन्फेसिंग एक्यूज हैं, इन लोगों ने ट्रायल को फेस नहीं किया, इन लोगों ने अनइक्विवोकली स्वेच्छा से इन्होंने कसूर को गछा कोर्ट के समक्ष। कोर्ट उनके कन्फेशन को सेटिस्फाइड होने के बाद उनको ये कन्विक्शन दिया गया है और सेंटेंस। इज इट द फर्स्ट टाइम दैट टेररिस्ट हैव कन्फेस्ड इन एनी सच केस इन बिहार? टू माय नॉलेज अभी तक तो कोई कन्फेशन नहीं हुआ इधर। ये 41st टाइम NIA का ये पहला केस है यहाँ बिहार में जो कि उन लोगों ने कसूर को गछा है। सो व्हाट विल बी द एक्शन फॉर द 9th वन सर? 9th वन के लिए वो डिपेंड करता है, अगर वो ट्रायल फेस करेंगे तो उनका ट्रायल चलेगा, अगर वह भी कसूर को गछना चाहते हैं तो फिर उनका भी जजमेंट होगा अकॉर्डिंगली, या उन पर डिपेंड करता है कि हाउ एक्चुअली। तो सुना आपने कि कुल 9 आरोपियों में से 8 ने अपना अपना गुनाह कबूल कर लिया है, जिसकी सजा का ऐलान NIA कोर्ट ने आज कर दिया है, जिसमें से 3 अभियुक्तों को उम्र कैद और 5 को 10-10 साल की सजा सुनाई गई है। चलिए अब आपको हम विस्तार से बताते हैं कि किसको क्या सजा मिली है। पैगंबर शेख उर्फ अब्दुल अजीज को उम्र कैद, अहमद अली को उम्र कैद, नूर आलम मोमिन को उम्र कैद, आदिल शेख उर्फ असादुल्ला को 10 वर्ष की सजा, दिलावर हुसैन को 10 साल, अब्दुल करीम उर्फ इकबाल को 10 साल, शाहीन उर्फ तुहीन को 10 साल, आरिफ हुसैन को 10 साल, वही मोहम्मद जाहिद उर्फ कौसर का ट्रायल अब भी चल रहा है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि कोर्ट के फैसले में देर तो है लेकिन अंधेर नहीं है, और कोर्ट ने ये फैसला सुनाकर इस बात को साफ कर दिया है। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहें और बिहार तक देखते रहें। बिहार तक आप देख रहे हैं बिल्कुल नए अंदाज में, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा।
कि बिहार तक का ये नया अंदाज आपको कैसा लग रहा है।